सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट मयंक एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ इंदौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर एक के जो है फुटओवर ब्रिज पर हूँ अभी मैं। और आज मैं यहाँ क्यों आया हूँ वो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ। एक्चुअली आज इंदौर से जो है सेकेंड रन है इंदौर बांद्रा एसी सुपरफास्ट स्पेशल का। आपको पता होगा ये एज अ होली स्पेशल स्टार्ट हुई है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं स्पेशली आपको गाड़ी दिखाने के लिए क्यों आया हूँ। और गाड़ी जो है अभी नीचे खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर एक पर। मैं फुट ओवर ब्रिज पर अभी जल्दी से जल्द नीचे जाता हूँ। और गाड़ी जो है बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि जिस रेक से गाड़ी चलेगी वो रेक पहली बार इंदौर आया है। और वैसे तो बहुत पुराना रेक है पर इंदौर में पहली बार आया है और पहली बार आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। तो सीधे चल रहे हैं नीचे प्लेटफॉर्म पर, आपको सीधा दिखाता हूँ मैं गाड़ी। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं ये है इंदौर बांद्रा स्पेशल जो चलेगी इंदौर से युवा के रेक के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रेक है युवा एक्सप्रेस का, ये पहली बार इंदौर आया है। ये रेक जो है बांद्रा से हज़रत निज़ामुद्दीन के बीच चलता है, एक दिन एज अ गरीब रथ और एक दिन एज युवा एक्सप्रेस। और ये जो ट्रेन है इसका ट्रेन नंबर है 09048 बांद्रा इंदौर बांद्रा एसी स्पेशल, जो कि अभी डिपार्ट करेगी यहाँ 9:20 पर। अभी तो खैर काफ़ी समय इसके डिपार्चर में, लगभग एक घंटा बचा हुआ है। तो अभी जैसे ही रेक खुलेंगे आपको अंदर से रेक भी दिखाऊंगा क्या क्या खासियत है इसमें, क्योंकि इंदौर से जो है पहली बार रेक जाएगा। तो चलिए सीधा आपसे मिलूँगा रेक के अंदर और आपको थोड़ा बहुत आगे से भी और रेक दिखाता हूँ और क्या इसकी कोच कंपोजिशन है वो भी आपको बताऊंगा। सो गाइज, फिलहाल मैं एंटर कर चुका हूँ ट्रेन के अंदर। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, ये गाड़ी है गाड़ी नंबर 09048 फ्रॉम इंदौर और गाड़ी नंबर 09047 जो बांद्रा से चली थी। बांद्रा से इसके दोनों फेरे हो चुके हैं, इंदौर से जो है आज जो है इसका लास्ट फेरा है। इसके बाद ये पता नहीं शायद कभी इंदौर के इसको चलाए भी कि नहीं एज अ स्पेशल। तो अभी फ़िलहाल मैं चला हुआ हूँ इस ट्रेन के थर्ड एसी कोच में, जो कि रेगुलर बेसिस पे यूज़ होता है एज बांद्रा हज़रत निज़ामुद्दीन गरीब रथ और बांद्रा हज़रत निज़ामुद्दीन युवा एक्सप्रेस, एक एक दिन चलती है दोनों ट्रेनें। तो बताता हूँ आपको कैसा है इसका इंटीरियर। गरीब रथ वाला इंटीरियर है थर्ड एसी का, तो लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें साइड मिडिल बर्थ नहीं है। मैं आपको बताऊँ, ये हम अंदर आए हैं कोच के। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर छोटा सा एक अलग से पोर्शन बना हुआ है, शायद ये यहाँ पर ये लोग लिनेंस वगैरह रखते होंगे। नॉर्मल थर्ड एसी में ये जो है ये पोर्शन रहता नहीं है गाड़ी में। आपको बता देता हूँ उसमें कुल मिलाकर 72 बर्थ है थर्ड एसी के कोच में। ऐसा सीटिंग कंपोजिशन है इसका, लोअर है, मिडिल बर्थ है, अपर बर्थ है, वही जो नॉर्मल थर्ड एसी का कंपोजिशन होता है वही कंपोजिशन है सीटिंग कंपोजिशन। बस ये है कि जो इसके पीछे यहाँ स्टार्टिंग में जो है लिनन रखने के लिए जो है जगह दी हुई है, आप देख सकते हैं लिखा भी है लिनन कैब। तो ऐसी कुछ है गाड़ी, पहली बार इसका रेक आया इंदौर। बस बता दूं मैं कि इसमें जो खास होने वाला है वो होने वाला है इसका एसी चेयर कार। इसका एसी चेयर कार जो है वो नॉर्मल आईसीएफ के एसी चेयर कार से बहुत अलग होता है। उधर भी अगर जाने का मौका मिलेगा, अभी तो खैर खुले नहीं थे उसके कैब्स वगैरह, उधर अगर जाने का मौका मिलेगा तो वैसे ही आपको उसका भी इंटीरियर दिखाऊंगा। तो ऐसा है एसी का इंटीरियर। तो दोस्तों ये है कुछ इसके थर्ड एसी के कोचेस। बाहर से आपको बताऊं तो आधे से ज़्यादा जो है इसमें उत्कृष्ट लिवरीज के थर्ड एसी के कोचेस हैं और बाकी जो है दुरंतो लिवरीज के कोचेस भी हैं, वो पीछे मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसका कोच कंपोजिशन अगर मैं इसमें कुल मिलाकर के जो है 11 थर्ड एसी के कोचेस हैं गरीब रथ, और बाकी के जो है 6 एसी चेयर कार के कोचेस हैं जिसमें 102 बर्थ है कुल मिला के। जबकि नॉर्मल जो थर्ड एसी चेयर कार होते हैं उसमें कम बर्थ होती है, वो आपको अभी कन्फर्म करके बताता हूँ कितनी बर्थ होती है नॉर्मल एसी चेयर कार में आईसीएफ के। बाकी कम होती है इतना मुझे कन्फर्म है, बिल्कुल 101% कन्फर्म है। और बाकी थोड़ी देर बाद आपको सेकेंड जो एसी चेयर कार है उसके अंदर भी ले जा करके बताऊंगा और फिर एंड में देखेंगे हम इस ट्रेन का डिपार्चर इंदौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर एक से। तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। सो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ इस ट्रेन के एसी चेयर कार के यहाँ पे। बहुत ही यूनिक लिवरी है इस ट्रेन की, ये युवा लिवरी है जो कि बहुत पहले स्टार्ट हुई थी। आइए इसके अंदर का इंटीरियर देखते हैं। ये युवा एक्सप्रेस की लिवरी है, बाहर से आप देखेंगे पूरा युवा एक्सप्रेस का पेंट है। ये ट्रेन जो है ये ममता बनर्जी के पीरियड में स्टार्ट हुई थी, जब ममता बनर्जी जो है वो रेलवे मिनिस्टर हुआ करती थी, तब के जो है ये कोचेज हैं। और तब भी ये जो मतलब कॉन्सेप्ट है युवा एक्सप्रेस का वो स्टार्ट हुआ था। युवा मतलब जवान, जो युवा होते हैं स्टूडेंट वगैरह, स्टूडेंट क्लास
और स्टूडेंट मतलब मेनली जो स्टूडेंट क्लास के जो बच्चे होते हैं, मतलब यंग जो लड़के होते हैं, युवा लोग, उनको सर्व करने के लिए ये ट्रेन बनाई गई थी। इसका किराया भी जो है वो कम होता है दूसरी गाड़ियों की अपेक्षा, मतलब सब्सिडाइज्ड जो है इसके टिकट रेट्स होते हैं। तो चलिए अभी आपको ये अंदर इसका इंटीरियर, आप सीधा आपको चल के इंटीरियर बताऊंगा अंदर से कि कैसा है। तो चलिए गाइस अब आपको दिखाता हूँ मैं जो बांद्रा इंदौर एसी स्पेशल चली है उसका जो एसी चेयर कार है वो अंदर से कैसा दिखता है। आईसीएफ टेक्नोलॉजी का एसी चेयर कार है, और लेकिन जो है नॉर्मल एसी चेयर कार से उनसे बहुत अलग होता है। आप देख सकते हैं 3x3 की सीटिंग है इसमें, और कुल मिलाकर इसमें जो है 102 सीटें हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा 3x3 है। और आपको ये बता दूँ कि ये इकलौता एसी चेयर कार है जिसमें है ना तीन दरवाजे होते हैं, मतलब यह जनरल कोचेज में तीन दरवाजे होते हैं, बीच में भी एक पेयर ऑफ गेट होता है। वैसे इसमें आप ये देख सकते हैं, ये देखिए ये यहाँ पे इसमें यहाँ फिर से दरवाजे आ गए। इधर जो है 48 की सीटिंग इस कंपार्टमेंट में है, बीच में फिर से दरवाज़ा है यहाँ पर, और फिर से यहाँ पर आ जाती है सीट्स। और यहाँ पर अगर हम एंड में आएंगे तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में 102 है, मतलब कुल मिलाकर 102 सीट्स जो है इसमें अवेलेबल है ट्रैवल करने के लिए। बाकी अगर आप, मैं कंफर्ट की बात नहीं है इन गाड़ियों में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कम किराए पर जो है ये अफोर्डेबल आपको जो है ट्रेन जर्नी का एहसास देती है, और साथ ही साथ जो है काफ़ी फास्ट टाइम टेबल होता है इन ट्रेनों का। अगर आप इनका टाइम टेबल वगैरह, उनके फेयर्स वगैरह जानना चाहते हैं तो आप एक बार बांद्रा से जो निज़ामुद्दीन के बीच युवा और गरीब रथ चलती है उनका फेयर्स और टाइम टेबल वगैरह जो है वो IRCTC के थ्रू चेक कर सकते हैं। आपको बिल्कुल जो है प्रीमियम टाइम टेबल मिलेगा, बाकी कंफर्ट वगैरह आपको इतना नहीं मिल पाएगा। वैसे भी किराया बहुत कम है, लगभग 900-950 रुपये मुश्किल से किराया मुंबई से दिल्ली के बीच का, जबकि जो बाकी के इस प्रीमियम ट्रेन होती है उनका आराम से थर्ड एसी का ही किराया 3000-3500 के समथिंग जाता है। तो चलिए अब बाहर चलते हैं और आपको इंटीरियर को दिखाई दिया है, अब आपको सीधा मिलूंगा मैं डिपार्चर के टाइम पर, और डिपार्चर आपको दिखाऊंगा इंदौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से।